छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट को मैं बता देना चाहता हूँ कि चुनावी घोषणा की शुरुआत जो है हो चुका है। जी हाँ, चुनावी घोषणा निकल कर आ चुका है और ऐसे में जो है एक दौर जो है नया शुरू हो चुका है, नए भर्ती का, नए वैकेंसीज का। तो जो भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज निकल कर नहीं आने वाली, भर्ती निकल कर नहीं आने वाली, उन स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर आप में इस तरीके से अगर सोच रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दो। आपको ये लगता होगा कि अभी तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला चल रहा है, चारों तरफ इसी के बारे में चर्चाएं हो रही है, तो शायद वैकेंसीज निकल कर नहीं आएगा। ये आप लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता होगा अगर आप लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करेंगे तो। आपको बताइए आरक्षण मामला कब तक चलेगा, आखिर बताइए। एक दिन तो क्लियर तो ज़रूर हो जाएगा ना, साफ तो हो ही जाएगा कि 76% होगा कि 50% आरक्षण होगा। लेकिन आप लोग ये इस इंतज़ार में है कि नोटिफिकेशन निकल कर आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और आप लोग जो सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मेरा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होगा, एक अच्छा सैलरी होगा, एक अच्छा जॉब होगा और एक अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, एक बेहतर ज़िंदगी होगा, आपका कुछ भी ज़िंदगी नहीं होने वाला। आने वाले 5 साल के बारे में सोचिए कि आने वाले 5 साल में आपकी ज़िंदगी में आप खुद को कितना बदलाव देखना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी बदलेगा या नहीं, या फिर आप जिस पोजीशन में जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ अगर आपने तैयारी नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, तो आप जिस परिस्थिति में उसी परिस्थिति में आप ज़िंदगी भर रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी घोषणा की शुरुआत जो है हो चुका है, लाखों स्टूडेंट में खुशी की लहर है, गुड न्यूज़ जो है ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आ रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अनेक सौगात जो है, अनेक भर्तियाँ, अनेक वैकेंसीज हैं। अगर हम वैकेंसीज के बात करें जिसमें एडीओ का पोस्ट है, आमीन पटवारी के हैं, हॉस्टल वार्डन के हैं, सहकारिता विभाग में भर्ती हैं, आपके टीचर्स की जॉब है, आपके रेलवे का जॉब है। जी हाँ, रेलवे में भी, इंडियन रेलवे में भी टोटल जो है 1.5 लाख पदों पर भर्ती होना है, जिसमें आपके अकेले छत्तीसगढ़ में रेलवे के 700 पदों पर, जी हाँ रेलवे के जो है 700 पदों पर जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती, सबसे बड़ी वैकेंसी जो है होने वाला है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है आप अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, आप लोगों को उतना ही एक बेस्ट रिस्पॉन्स, एक अच्छा, एक बेहतर रिजल्ट जो है डेफिनेटली जो है मिल पाएगा। क्योंकि हम सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम मेहनत करेंगे तो उसी के अनुरूप हमें एक अच्छा खासा रिजल्ट जो है, एक अच्छा मुकाम हम जो है हासिल कर सकते हैं और हमारे सभी सपने, हमारे सभी ड्रीम जो है पूरे हो सकते हैं। बस उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना है, आपको तैयारी जो है करते रहना। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना मेहनत आप करेंगे, उतने ही आप लोगों को एक बेस्ट रिस्पांस, एक अच्छा, एक बेहतर रिजल्ट जो है मिल पाएगा और आपकी ज़िंदगी अवश्य रूप से बदलेगा। बस मेहनत करते जाइए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। बस मेहनत करते जाइए, आप ये मत सोचिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वापस से मुझे एक अच्छा, एक बेहतर रिज़ल्ट जो है देखने को नहीं मिल रहा, मैं मेहनत बस कर रहा हूँ, मेरा मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, ये ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आज नहीं तो कल आपको जितना तुम मेहनत कर रहे हो वापस से तुम्हें वो रिज़ल्ट, वो चीज़ें जो है मिलने वाला है। तो मेहनत जो है कभी भी व्यर्थ नहीं होता, जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा तुम तैयारी करोगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की, उतने ही एक बेहतर, उतना ही एक अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा और आपके सभी सपने, आपके सभी ड्रीम्स जो है अवश्य रूप से पूरे हो पाएंगे। बस उन सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाओ। अगर ये एक चीज़ है, जरा आपने आप में सोच के देखना, आने वाले 4 से 5 सालों में अपने आप को आप कौन से लेवल पर देखना चाहते हो, क्या जिस परिस्थिति में आपको उसी परिस्थिति में आगे 4 से 5 साल में खुद को देखना चाहते हो, आईने पर देख कर कभी सोचना कि आने वाले 4 से 5 साल में मेरी ज़िंदगी बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा, या फिर जो तुम घूम रहे हो फिर रहे हो फालतू की चीज़ों पर टाइम व्यस्त कर रहे हो, टाइम फालतू के टाइम जो 24 घंटे जो आपके पास रहता है उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं, टाइम के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सकते, जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता एक दिन ऐसा आएगा जब वो एक एक समय के लिए मोहताज होगा और उसके पास वो समय नहीं होगा। उस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि टाइम्स का रोल क्या है, टाइम्स का इंपॉर्टेंस क्या है। एक बार जो समय निकल गए सो निकल गए, आपको ज़िंदगी में फिर दोबारा वो समय नहीं मिल पाएगा, फिर आप ज़िंदगी में रोते रहोगे, कोसते रहोगे, अफसोस करते रहोगे, अफसोस के अलावा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा, मलाल करते रह जाओगे, मलाल करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही एक रिस्पांस, एक अच्छा रिज़ल्ट जो है होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में जो है ये सभी भर्ती परीक्षा जो है होने वाला है, चाहे वो आमीन पटवारी की बात करें तो आमीन पटवारी जल संसाधन विभाग में, सिंचाई विभाग में आता है, सिंचाई विभाग का भी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी स्टूडेंट सिंचाई विभाग में भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, सिंचाई विभाग का पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
आमिन पटवारी, पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि 301 पोस्ट जो है पटवारी के निकल कर आया था। इस समय जो आमिन पटवारी के 288 पोस्ट पर भर्ती होना, जिसमें यदि आपने 12वीं पास हैं सिंपल है, सिंचाई विभाग आमिन पटवारी के लिए 12वीं पास, साथ में आपका एक वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। यदि आपने 12वीं पास कर लिया, एक वर्ष का कंप्यूटर्स कोर्स है, और एक वर्ष के कंप्यूटर्स कोर्स में यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया, PGDCA किया, BCA किया, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप जो भर्ती परीक्षा के लिए आप आराम से जो आवेदन कर सकते हैं, आप आराम से जो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी जो है फेस करना नहीं पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक भर्ती है, छत्तीसगढ़ में जो एक के बाद एक जो है नई नई वैकेंसी जो है नई नई अपडेट्स जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करना, अच्छे से पढ़ाई करना, आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ जो मेहनत कर सकते हैं, उसी लेवल के साथ आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी डेफिनेटली जो है अवश्य रूप से जो है हो पाएगा। कामयाबी, सक्सेस, सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आप उसके लिए तैयारी करेंगे। बिना मेहनत के आपको किसी भी तरह से कोई भी सफलता, कोई भी कामयाबी आपको नहीं मिलने वाला। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, वापस से आपको उतना ही एक बेहतर, एक अच्छा खासा रिजल्ट जो है मिलेगा, और आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जो आपकी मंजिल है, जो आपके सपने हैं। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए, उस कामयाबी को पाने के लिए आपको हर रोज़ जो है मेहनत करना होगा, हर रोज़ जो है आपको कॉन्फिडेंस के साथ जो है तैयारी करना होगा। ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने से, कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, तो सपने आपके हैं, ड्रीम्स आपके हैं, उन सपनों को, उन ख्वाबों को आपको पूरा, कब आपके जो है सपने पूरे हो जाएंगे, कब आपके सभी सपने पूरे हो जाएंगे और आपको एक अच्छा सैलरी, एक जॉब मिल जाएगा, कब आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, ये किसी को पता नहीं, ये सिर्फ आपको पता है। सिर्फ आप अपना मेहनत कर सकते हैं, आप अपना 100% दीजिए और वापस से 100% आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप 100% मेहनत करते हैं तो आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा, आज नहीं तो कल आपका एग्ज़ाम जो है ज़रूर क्वालिफाई हो पाएगा। बस उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, फालतू की चीज़ों को अवॉइड करो। फालतू की चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सिर्फ मेहनत कीजिए, मेहनत करने से बिल्कुल पीछे मत हटिए। जितना ज़्यादा तुम टाइम पास करते हो, टाइम पास की चीज़ों को अवॉइड करो। एक बार अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया, एक बार अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से तैयारी कर लिया, वापस से आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट, उतना ही एक अच्छा रिस्पांस जो है रिज़ल्ट देखने को मिल पाएगा। फिर आपके सभी सपने, फिर आपके सभी ड्रीम जो है पूरे हो पाएंगे। फिर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और फालतू के बस सोने में, आराम करने से ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ाई के प्रति स्ट्रगल करेंगे, उतना ही एक बेस्ट रिस्पांस मिलने वाला है। तो सो प्लीज़, अगर वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर जो है नए नए वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। बस आपको आज चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों तक जानकारी पहुँच सके। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, और शेयर करने के लिए बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप सभी स्टूडेंट के लिए इसी तरह से मैं नए नए वीडियो जो है लेकर आ सकूं। बस आप लोगों के प्यार और सपोर्ट चाहिए, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। बस मेहनत करते रहिए, आगे आप ज़रूर बढ़ेंगे।